अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं, आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने उनकी जो वीडियो आई है उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि वो पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है, इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए, 2017 से पहले जब इन घोर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी, राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था, गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता। इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दांडव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार किसी दूसरे राज्य में जाए, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन।